भले फ्रेंड्स बम्मा भले परम पिता परमेश्वर के पापर सदा बनी रहे और साथ साथ मेरे ऊपर भी। आज कुएं की खोज के दूसरे दिन है, धूप खिला खिला है मौसम और अपने पलटन के साथ निकल चुके हैं हम कुएं की दूसरी खोज में। बिल्कुल, और इसमें थोड़ा भी जगह नहीं है, पानी का तो कुछ नाम भी नहीं है। हालांकि ये खतरा बना हुआ है कि इसमें कोई जानवर होगा, जैसे कि ये खड़े हैं तो ये डेंजर जोन में है, ये गिर भी सकते हैं इसके अंदर अगर ये अपने आप को अगर ये बचा कर नहीं रखते हैं तो। ये चीज़ एक यहाँ पे हानि है जरूर यहाँ से, और क्षति होगी यहाँ पे माल जाल की भी, अगर इसके अंदर आकर गिर जाते हैं तो फिर उनके लिए दिक्कत का सामना हो जाएगा, उनकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, जिस दूसरे कुएं के नीचे हम मौजूद हैं, ये कुआं हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। कुएं को देखकर ये प्रतीत होता है कि ये लगभग 100 वर्षों से भी अधिक की आयु का हो चुका है। बात करें इस कुएं के चारों ओर, तो इस कुएं के चारों ओर खेत ही खेत मौजूद है, और उस चारों खेत के बीच में ये कुआं मौजूद है। और इस कुएं में पानी नहीं है, हालांकि हम दिखाना भी चाहेंगे आपको, देखे ही है कि इस कुएं के बीच में पानी बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपर से इसमें कचरे वगैरह रखकर, पेड़ पत्तों की टहनियाँ वगैरह रखकर इसे भर दिया गया है। और ये एक पहले कुएं के मुकाबले इसमें हम बोलेंगे कि ये काफ़ी अच्छा बनाया गया है, इसे कि कम से कम इसे ढक दिया गया है, नहीं तो जो पहला कुआं हमने आपको दिखाया था उसमें खुला ओपनिंग छोड़ दिया गया था, जो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता पशु पक्षियों के लिए। लेकिन हालांकि इसकी जो भराई है वो लगभग हो चुकी है, थोड़ी सी ही ऊपर से खाली है, जिस वजह से इसमें कोई दिक्कत का सामना उतना करना नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर इसका भराई हो जाता तो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन इसे दोबारा चालू करना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि पानी इसमें भी नहीं है। क्योंकि कारण भी है कि जो पानी का लेयर है वो लगभग 150 फीट नीचे चला गया है, और इस कारण से पानी की कमी आ गई है। तो दोस्तों, पानी को बचाएं, जीवन बचाएं। मिलते हैं आपसे तीसरी वीडियो में, चलिए।